राधे राधे, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम बेला पे परमानेंट फूल लेना चाहते हैं और ज़्यादा, तो आज ही हमें एक दो छोटे छोटे काम करने हैं जो कि हमारा पौधा ऐसे ही फूल देता रहे भर भर के और पूरी गर्मी में हम फूल लेते रहें। उसके लिए हमें दो तीन टिप्स करने हैं। एक तो जैसे आपकी दिसंबर का एंड है, आज 28 तारीख हो गई है, तो मैंने तो अपने पौधे किसकी एक दो बार अच्छे से नलाई गुड़ाई कर दी है। मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस में अच्छे से नलाई गुड़ाई कर दें। और आप देख रहे हैं कि दिसंबर में ज़्यादातर सारे पौधे डोर मेसी में चले जाते हैं, पर ये मेरा ये पौधा बिल्कुल वैसे ही फूटे ले रहा है। और ये देखिए नई नई ये ब्रांचें बना रहा है पूरा, आप देखेंगे कितने अच्छे से। तो बस इसका ये है कि हमें इसका ध्यान रखना है और इसकी नलाई गुड़ाई कर देनी है। और अब इसकी मैंने सारी एक्स्ट्रा ब्रांचें जितनी भी थी सब निकाल दी थी, बल्कि मैंने अपना वो मेथड मैं आपसे बताती हूँ। इसकी एक शाखा को ले करके हम और पत्तियों को ऐसे बीच में से हटा करके और शाखा को नीचे ले जा करके मिट्टी में के दूसरे गमले में अगर ऐसे करके लगा देते हैं तो एक हमारा पौधा तैयार हो जाता है। जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं कि मैंने ये यहाँ से तैयार कर रखा है। मैं अभी निकालना नहीं चाह रही हूँ, मैं इसको आपको दिखाती हूँ जब मैं अगली वीडियो आपके पास शेयर करूँगी। तो ये तो अगर आप बनाना चाहें कोई आप दूसरा पौधा आराम से कि जड़ से, वैसे तो मिट्टी को अलग करके भी हो जाता है, पर ये बिल्कुल आसान तरीका है कि आप किसी को बांटना चाहते हैं या आपको दूसरा एक पौधा बनाना है तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये आपसे बताना चाहूँगी कि फरवरी में इसमें आप इसकी मिट्टी में एक दो बार फर्टिलाइजर ज़रूर दे दें। वैसे तो जो लोग बाजार के केमिकल वाला देते हैं तो सीवीड वगैरह देते हैं, पर मैं तो ये सब नहीं देती। मैं तो सरसों की खल का लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें देती हूँ और फिर इसको इसके पत्तों को अच्छे से, सबसे बड़ा बात हमें ये रखना है कि कीड़ा ना लगने दें। हम इसके पत्तों की धुलाई करते रहें, क्योंकि गर्मियों में तो हम अपने पौधों को वैसे ही नहलाते रहते हैं और सर्दियों में इन पत्तों पर कुछ इस तरह से धूल जम जाती है। तो ध्यान रखें कि हमारे जो पौधा है उस पर धूल ना होना पाए। धूल लगने से क्या होता है, इसमें फंगस इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो पौधों को चमकती रहें पत्ती, जितनी लीफ आपकी चमकेंगी आप देखेंगे आपका पौधा उतना ही बढ़िया रहेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि दिसंबर है, 28 तारीख है, लास्ट है, मेरा पौधा आज भी वैसे ही भरा हुआ है। एक भी पत्ती ना ही पीली है, ना ही डैमेज है और ना ही फुटेर ले रहा है। पूरा पौधा अभी भी फुटेर ले रहा है। तो बस यही है दो तीन छोटे छोटे से टिप्स आप करेंगे तो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मौसम नहीं है फिर भी आप देखेंगे कि ये कली बनानी इसने शुरू कर दी है। तो ये थोड़ी सी हम केयर करते हैं, इसकी टिप्स छोटी छोटी सी ध्यान रखते हैं तो आपको फूल देता ही रहेगा ये। तो बस ये छोटे छोटे से नियम आप फॉलो कीजिएगा तो आप देखेंगे कि मार्च के शुरू में ही, अप्रैल भी नहीं आपको पकड़ना पड़ेगा, आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। फिर किसी जानकारी के साथ मिलती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स करके बताएं कि मेरे टिप्स कैसे लगते हैं, आपके कमेंट्स मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।